नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की अगली सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। न्यूक्लियर साइजेस जो होते हैं वो किस यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं, किस यूनिट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है ए फर्मी, बी एंगस्ट्रॉन्ग, बी न्यूटन, डी टेस्ला, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर साइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस में डिनोट होते हैं, वो डिनोट होते हैं किस में, फर्मी में। किस में होते हैं, फर्मी में, ठीक है। राइट आंसर विल बी ए वाला, राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। तो फर्मी क्या होता है, आई यूनिट ऑफ लेंथ टू 10^-15 meter, ठीक है। कितना होता है, 10^-15 meter होता है, यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स, सिमिलर टू डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। इसका जो वो होता है साइज वो किस इक्वल होता है, डायमीटर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट नेम फर्मी, ठीक है, ये वाला राइट आंसर। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते और स्टार्स करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते और स्टार्स करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है ए दे एमिट लाइट ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, बी देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, सी दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डी दे आर नियरर टू अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल, ठीक है। तो क्या होता है, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि वो होते हैं दे आर नियरर टू अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। तो राइट आंसर विल बी डी वन, डी विल बी द राइट आंसर। क्या है, वो अर्थ के बहुत पास होते हैं और ज़्यादा ग्रेट ज़्यादा लाइट नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होता है, माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी और होती है, जिससे वो नोटिसेबल नहीं होती, नोटिस नहीं हो पाती। तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो ए डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिव करंट, बी अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, सी हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, डी लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का जो यूज़ होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, बी वाला, बी इज द विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे रहते रेक्टिफायर, दीज आर सम ऑफ द रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। चलिए देखते फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव जो कि एयर में होती है वो क्या होती है, ए ट्रांसवर्स, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी पोलराइज, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर में होती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। जो साउंड वेव्स एयर में होती है वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। राइट आंसर विल बी बी। चलिए देखते पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज, ठीक है। जो यहाँ पे मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो बार मैग्नेट वो कैसा होता है, ए मिनिमम, बी मैक्सिमम, सी जीरो, डी मिनिमम और मैक्सिमम। तो राइट आंसर विल बी जीरो, देयर इज जीरो मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, ठीक है, द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज इट्स, ठीक है। तो ऑप्शन है ए एम्पलीट्यूड, बी वेलोसिटी, सी वेवलेंथ, डी फ्रीक्वेंसी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में से द वन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, वो होती कौन सी, एम्पलीट्यूड, कौन सी होती है, एम्पलीट्यूड। राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये जो डिस्टेंस है वो होता है क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का वो होता है क्या, एम्पलीट्यूड। राइट, तो राइट आंसर विल बी ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए देखते सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ, लक्स किसके एसआई यूनिट है, ए इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, बी ल्यूमिनस एफिशिएंसी, सी ल्यूमिनस फ्लक्स, डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो आप लक्स सुन के लग रहा होगा कि ल्यूमिनस फ्लक्स की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लक्स है एसआई यूनिट वो किसकी है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, कन्फ्यूज मत होएगा आप, ठीक है। वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा यूनिट क्या है, लक्स है, ठीक है। लक्स क्या होता है, लक्स इज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, और विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की ऐसा यूनिट क्या है, लक्स है, ठीक है। दिस इज द मेजर ऑफ लक्स, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन यूज द लक्स इन मेजरमेंट, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, ऑन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑफ वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, ठीक है। एक रेनी डे में छोटे से ऑयल की ड्रॉपलेट्स वाटर में ब्रिलियंट कलर शो करते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ए डिस्पर्जन, बी इंटरफेरेंस, सी डिफ्रैक्शन, डी पोलराइजेशन। तो ये होता है किसके कारण, ये होता है इंटरफेरेंस के कारण। द फेनोमिनम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इंटरफेरेंस, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, इसने वाटर का पूछा, लेकिन मैंने यहाँ पर सी डी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ये सी डी में ऐसा कुछ होता है, सेम ऐसा होता है वाटर में, अगर आप उसमें ऑयल ड्रॉपलेट डाल देते हैं, ठीक है, मल्टीपल कलर्स निखर के आते हैं उस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू, ठीक है।
तो ए सरफेस टेंशन, बी विस्कोसिटी, सी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डी इलास्टिसिटी। तो क्या होगा, मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट, जो मटेरियल रेन प्रूफ कोट्स में यूज़ होते हैं और टेंट्स में यूज़ होते हैं, वो वाटर प्रॉपर्टीज किस 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 वाटर प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ड होते हैं किस पे, सरफेस टेंशन पे, ठीक है। किस किस पे बेस्ड होते हैं, सरफेस टेंशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप सरफेस टेंशन देख सकते हैं, एक कीड़ा वाटर के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसके पैर देखिए, ये डूब नहीं रहा है क्योंकि ये सरफेस टेंशन यहाँ पे केस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। 10th, रडार इज यूज फॉर, रडार किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो ए लोकेटिंग सबमर्ज सबमरीन्स, बी रिसीविंग ए सिग्नल इन रेडियो रिसीवर, सी लोकेटिंग जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, डी डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन्स, ठीक है। तो रडार के उसके इसमें होता है डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन्स, ठीक है। इसका यूज़ वॉर और वगैरह में बहुत होता है, वैसे बॉर्डर्स में भी, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इसका यूज़ होता है, रडार का यूज़ होता है, कहाँ पे कौन सा प्लेन है उसकी लोकेशन जानने के लिए इसका यूज़ होता है, रडार का यूज़ होता है। तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, जो साउंड, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको क्या कहते हैं, ए ऑडियो साउंड्स, बी इंफ्रासोनिक साउंड्स, सी अल्ट्रासोनिक साउंड्स, डी सुपरसोनिक, ठीक है। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। राइट आंसर विल बी बी। अब जो साउंड 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। जिनकी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक, जिनकी 2,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, जिनकी 20,000 ज़्यादा होती है उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब था बी बी वाला था। 12th देखते हैं, 12th क्या कह रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, चमकती क्यों है, बिकॉज ए द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड बाय देम चेंजेस विद टाइम, ठीक है। बी द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द अर्थ चेंजेस विद टाइम, ये था बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर चेंजेस कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली, द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ अ स्टार चेंजेस विद टाइम, ठीक है। डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द लाइट फ्रॉम द स्टार इज स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिकल्स इन द अर्थ एटमोसफियर, ठीक है। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं, स्टार्स ट्विंकल होते हैं क्योंकि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर चेंजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। उससे उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ अ स्टार स्टार चेंजेस विद टाइम, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी सी, स्टार्स इसलिए ट्विंकल होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ऑप्शन है ए वेक्टर, बी स्केलर, सी फेजर, डी टेंसर, ठीक है। जो इनर्शिया का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है टेंसर, ठीक है। क्या होता है, टेंसर। राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। तो ऐसा होता है टेंसर, ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये टी, ठीक है, डेल्टा के साथ मेजर करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किससे मेजर होता है, टेंसर से मेजर होता है, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, इनमें से कौन सा नेचुरल फेनोमेना, टेल विच वन इज नोन इन संस्कृत एट डी एस डियर्स थर्स्ट, ठीक है। संस्कृत में इनमें से किस फेनोमेना को डियर्स थर्स्ट बोला जाता है, तो ऑप्शन है ए रेनबो, बी अर्थ शाइन, सी हेलो, डी मिराज, ठीक है। तो जो जिसको डियर्स थर्स्ट बोला जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है मिराज, ठीक है। मिराज में क्या होता है, पूरा रेड रेड पूरा माहौल हो जाता है, ऐसा माहौल हो जाता है, ठीक है, ये होता है मिराज। तो उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, डियर्स थर्स्ट, ठीक है, थर्स्ट मतलब प्यास। चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि 15th क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, इनसाइड एन एरोप्लेन, ठीक है, एक एक हवाई जहाज के अंदर फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड, अगर हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑप्शन है ए द प्रेशर इज द सेम एज दैट आउटसाइड, बी नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स, सी द प्रेशर इनसाइड इज लेस देन द प्रेशर आउटसाइड, डी नॉर्मल ह्यूमिडिटी एंड पार्शियल वैक्यूम आर मेंटेन, ठीक है। तो क्या होता है, जब इनसाइड एरोप्लेन और फ्लाई, जब जब भी आप हवाई जहाज सफर कर रहे हैं और हाई एल्टीट्यूड पे हैं तो क्या होता है, तब होता है क्या, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स इनसाइड द एरोप्लेन, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी, राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।